हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड इस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो कुछ इस तरीके से लॉक हो गया है और आपको अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर करना है या कंप्यूटर में आप कहीं भी इसको सेव करके रख सकते हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन जो है लॉक रहेगा, लेकिन आपका जो भी डेटा है नहीं कि इस फ़ोन में जो भी डेटा है सब आपको वन बाय वन आप कॉपी करके रख सकते हैं अपने स्मार्टफोन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे मेरा जो है दिस पीसी मैंने ओपन किया और मैंने इसको डेटा केबल से ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन फ़ोन सो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन फ़ोन रीस्टार्ट। तो किस तरीके से इस ट्रिक को हम करेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ओके। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका स्मार्टफोन कौन सा है, मीन्स किस ब्रांड का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कमांड ओपन करना है जिसका नाम है विंडोज प्लस आर। अब विंडोज प्लस आर में यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज प्लस आर का, एक मिनट मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कमांड ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्मार्टफोन भी यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी में, है ना। अब जो है आपको यहाँ पे क्या करना है ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है CMD यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है, ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पेज, बड़ा सा पेज ओपन हो जाएगा, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पेज यहाँ पे है आपके सामने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये आपको दिखेगा, है ना। जैसे यहाँ पे मेरा नाम है तो उसी तरीके से आपके भी कंप्यूटर में यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले तो WINVER और इंटर कर देना। ये यहाँ पे आप सबसे पहले ये कमांड देख के आप चेक कर सकते हैं कि आपका OS जो है कौन सा है और उसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि यहाँ पे हमें टाइप करना है DIR और इंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे DIR कमांड ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाले पेज में आपको इंटर करना है। यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ करके, यहाँ पे आपको लिखना है DIR VER और इंटर कर देना है। तो अब जैसे इंटर करेंगे ना, यहाँ पे आपको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ स्मॉल करके, देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब आई थिंक ये पूरा क्लियर व्यू आपको यहाँ से नज़र आ रहा है और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है ये देखिए डेटा केबल से कनेक्टेड है और एक मिनट नीचे कंप्यूटर से भी ये कनेक्टेड है। अभी भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हुआ है, हमें अपना डेटा जो है यहाँ से निकालना है और सिस्टम में कॉपी करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये स्मार्टफोन है रियलमी का स्मार्टफोन है, ओके, किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, आपको यहाँ पर सिंपली से एक टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है रियल मी स्पेस
फाइव स्पेस फाइव सीरीज में फाइव प्रो, थ्री में थ्री प्रो, मतलब कि प्रो आपको हटा देना है, सिर्फ जो सीरीज है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको इस रियलमी 5 सीरीज का है, 5 टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, सबसे पहले आप देख लीजिए SLUI स्पेस 3 और यहाँ पे इंटर कर देना है। देख लीजिए जो भी कमांड है सब यहाँ पे ओपन है, लिखा हुआ है, आप उसको देख के ट्राई करेंगे। अब जो यहाँ फिर से आपको DIR यहाँ पे दबाना है, DIR दबाने के बाद अब जो है यहाँ पे आपको जो सर्च करना है वो सर्च करना है, ये देख लीजिए MSINFOCONFIG। यहाँ पे आपको कमांड जो है इंटर करना है वो है आपका MSCONFIG। यहाँ पे ये कमांड आपको ओपन कर लेना है। ओके, ये कमांड आपको ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे करना ये है कि इस कमांड को आपको इंटर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम इसको इंटर करेंगे। तो ये कमांड आप जैसे ही इंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका रियलमी का 5 प्रो हैंडसेट आपका यहाँ पे दिखने लगा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे हमने खोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है रियलमी का 5 प्रो, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। एक मिनट मैं ज़रा कैमरा को सही कर लूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियलमी 5 प्रो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें रियलमी 5 प्रो दिख रहा है। अब जो है यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हमने यहाँ पे फाइल मैनेजर में फाइल रखे थे सब कुछ, एक एक चीज़ जो है DCIM में अगर हम ओपन करें और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट है, तो सब के सब यहाँ पे उसी तरीके से हमारा जो भी डेटा है सब कुछ वैसे का वैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमें कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, और हमारा जो है फ़ोन के जितने भी डेटा हैं सब जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख गए हैं। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक को करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस ट्रिक को करने के लिए आपके पास एक PC या कंप्यूटर अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी ये जो है आपका काम करेगा, वरना नहीं करेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो स्मार्टफोन लगाया था और हमारा स्मार्टफोन यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल से अभी भी कनेक्टेड है, और हमारा जो स्मार्टफोन है बिल्कुल सेम वही स्मार्टफोन है, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है और हमारा स्मार्टफोन जो है कनेक्टेड है यहाँ पे, और इसका सारा डेटा हम अभी स्टोर कर लेंगे। आपके साथ भी अगर कोई परेशानी है, देखिए यहाँ पे सेम यही इशू है, तो कम से कम हमारा डेटा तो यहाँ पे बच गया है। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसमें आपका डेटा जो है बच सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अभी भी हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।